नमस्कार साथियों, क्या आपको पता है कि मोबाइल फोन जो आपके हाथ में है उसके दो पहलू हैं। एक तो उससे आप बहुत सारा फायदा भी उठा सकते हैं, लेकिन जाने अनजाने में वो आपके लिए नुकसान भी साबित हो रहा है। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको पता चलेगा कि फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन नुकसान क्या है जो हमारे जीवन को दिन ब दिन बर्बाद कर रहा है। क्या आप सोने से पहले आपके हाथ में मोबाइल होता है? क्या आप जैसे ही सुबह में उठते हो आपके हाथ में मोबाइल फोन होता है? क्या आप जब घर से बाहर जाते हो तो मोबाइल फोन आपके हाथ में होता है? अगर ये सभी कारण आपके पास हैं तो प्यारे साथियों, कहीं ना कहीं आप मोबाइल को लत में लग चुके हैं। अर्थात मोबाइल वह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, वो डिवाइस जो आपके पास हमेशा जब पास रहती है तभी आपको सुकून मिलता है। आपको लगता है कि यदि मोबाइल हमसे कुछ पल के लिए दूर कर दिया जाएगा तो इससे मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या आप इन्हीं कारणों से परेशान हैं? आप दिन में लगभग 10 से 12 घंटे मोबाइल यूज कर रहे हैं और उसमें से भी जो फायदे की चीजें हैं वो मोबाइल में कम यूज कर रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली चीज है तो वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आपको दिन ब दिन बर्बाद करते जा रहा है, और ये आपकी ही कमी नहीं है, ये पूरे विश्व की ऐसी लत लगने वाली चीज है जो इससे निकलने के लिए लोग उपाय खोज रहे हैं, उसके रीजन ढूंढ रहे हैं कि हम इस लत से कैसे निकलें। ये एडिक्शन ऐसा होता है प्यारे साथियों जिसमें आप जब फंस जाते हैं तो उससे निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। तो प्यारे साथियों, आपको और आपके जो भी करीबी हैं, आपको लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे लिए खतरनाक साबित हो रहा है, तो इससे दूर जाने के लिए क्या टिप्स हो सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं, वो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको पता चलेगा। आपको मैं वो आंकड़े बताऊंगा जो पूरे विश्व में आपको हैरान कर देंगे, आपको चौंकाने वाले ये आंकड़े। जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हां, मैं भी सोशल मीडिया की लत में लग चुका हूं। तो आप सभी को आंकड़े बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। सोशल मीडिया जो है वो दिन ब दिन सभी को बर्बादी का कारण बन रहा है, और आज की इस वीडियो लेक्चर में आपको सोशल मीडिया की पूरी जानकारी मिलेगी। हमारे देश का युवा किस तरह से 9 घंटे स्क्रीन टाइम एवरेज बताया गया है। हमारे पास प्राप्त आंकड़ों के अनुसार आपको बता दें कि सबसे ज्यादा दुनिया में सोशल मीडिया के नए यूजर्स पहले 42 करोड़ हुआ करते थे और आज की डेट में 462 करोड़ बन चुके हैं। अर्थात लोग दुनिया में 58.4% सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मोबाइल से फायदा नहीं उठा रहे, आप लाभ नहीं उठा रहे, सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हमारे फायदेमंद हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि जब आप रील्स देखने बैठते हैं, आप शॉर्ट्स देखने बैठते हैं, तो एक शॉर्ट्स से आपको फायदा मिल रहा है और वहीं पर आप स्क्रीन में अंगूठा घिसते घिसते कब वो 30 मिनट निकल गए, कब वो 1 घंटा निकल गया पता ही नहीं चलता। इसका सिंपल सा कारण है प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, कि आपको जो अच्छा लगता है, जो आपके देखने में एकदम 1 सेकंड में आपको मनोरंजन मिल रहा है, कोई जानकारी मिल रही है, आप उसको समय पता ही नहीं चल पाता है कि कब निकल गया। और यही कारण है कि आप जब स्क्रीन टाइम जो आपके मोबाइल का है वो बढ़ता जा रहा है, आपको वो चीजें अच्छी लगती हैं। इसका एक कारण होता है स्पीडी रिवार्ड। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी आपको समझ में आने लगती हैं और वो बहुत जल्दी रिजल्ट देती हैं। जैसे आप मोबाइल में कोई रील्स देखें, आपको बड़ा मनोरंजन लगा, आप बड़े खुश हुए, और ऐसे ही करते करते आप रील्स को खिसकाते जा रहे हैं, बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और, यही बस 5 मिनट कब 50 मिनट में बदल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। ऐसे आंकड़े कुछ हमारे पास और हैं प्यारे साथियों। चीन, भारत, अमेरिका, जापान, बांग्लादेश, ऐसे ही विभिन्न देशों में विश्व में जो आंकड़े दर्शाए गए हैं वो आपको हैरान कर देंगे। चीन में अगर देखें तो यहां पर देखा जाएगा 2022 और 2027 के बीच में मिलियन में आंकड़ा दिया गया है, 1021 और 1212, जबकि भारत देखना 2027 में बताया जा रहा है कि लगभग चीन से आगे निकल जाएगा, 1177 मिलियन में लोग सोशल मीडिया के यूजर्स में आ जाएंगे। तो प्यारे साथियों, इन बातों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आगे हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, आप देख सकते हैं कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कितने ज्यादा संख्या में यूजर्स आपके सामने दिख रहे हैं। ये आंकड़े वो हैं जो दिन ब दिन आप ही नहीं, आपका पड़ोसी ही नहीं, बल्कि हर एक वो इंसान सोशल मीडिया की लत में बुरी तरह से फंस चुका है।
और ये आपको तब पता चलता है जब आप उससे बाहर निकलने का प्रयास करते हैं कि हमारा समय बर्बाद हो रहा है। इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, तभी आप सोशल मीडिया से बच सकते हैं। आइए और आंकड़े बताते हैं। आप देखेंगे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये हमारे भारत में कितने सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो आपको आंकड़े करोड़ों में दिए गए हैं, और ये अपने आप में चौंकाने वाले आंकड़े हैं। आप भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में फंसे हुए हैं और इससे बाहर निकलने का रास्ता खोज ही रहे हैं। आपको और आंकड़े दिखाते हैं। हमारे पास है फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, वी चैट, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, वैक्यू और वीवो क्यू जोन, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिनमें सबसे ऊपर फेसबुक है 260 करोड़ में, और टॉप 10 ऐप्स जिनमें ये सारे ऐप्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, और ये आपके डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, आपके बीमारी आ रही हैं, आंखें खराब हो रही हैं, आप शारीरिक व मानसिक रूप से आलसी होते जा रहे हैं। ये वही कारण है प्यारे साथियों जिनसे आप बचना चाहते हैं, और कुछ तरीके मैं आपको वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा जिनसे आप सभी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर वो आप 21 दिन फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप इस दलदल से बाहर निकल सकते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें प्यारे साथियों एक साल में क्या क्या बदला हुआ है। आप देखेंगे 8.1 करोड़ ग्रोथ हुई, 11%, 12.1 करोड़ ग्रोथ मतलब 2.4%, और आंकड़ा देखिए 37.6 करोड़ ग्रोथ 10.5% में हो गया है। सोशल मीडिया यूजर्स, इंटरनेट यूजर्स, मोबाइल यूजर्स, आबादी जितनी है 8.1 करोड़, मतलब आबादी जो है ग्रोथ हुई है 1.1%, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स की जो ग्रोथ हुई है देख सकते हैं 10.5%। अर्थात सोशल मीडिया का ये जो रास्ता है इसमें जो कूदने वाली भीड़ है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और आगे देखेंगे आपको जो सोशल मीडिया यूजर्स परेशान करता है क्या, मतलब आप उससे क्या परेशान होते हैं सोशल मीडिया के ऐप से देख सकते हैं। सोशल मीडिया की लत से जिंदगी पर तीन तरह से असर पड़ता है, कौन कौन सा? पहला तो है फिजिकल, ट्रिंगर थंब होता है, आंखें कमजोर होती हैं, चेहरा मुरझा जाता है, सर्वाइकल और शरीर में दर्द, एक जगह बैठे रहने के मोटापा बढ़ना, ये सभी कारण हैं जो आपके शारीरिक रूप से कमजोर करते हैं, आपके अंदर बीमारी उत्पन्न कर देते हैं। तो इन सभी जो तरीके हैं इनसे कैसे बचा जाएगा, अर्थात ये आपके फिजिकली भी आपको कमजोर कर रहे हैं सोशल मीडिया एप्स, तो आपको इनसे बाहर निकलना तो ही पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। हमारे देश के युवाओं का 9 घंटे स्क्रीन टाइम है, जबकि 3 घंटे वीडियोज और मूवीज में जाता है और 2 घंटे गेम खेलने में निकल जाता है, बाकी 4 घंटे जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जा रहा है। तो क्या हम सोशल मीडिया जाने अनजाने में हमें सोशल मीडिया की लत लग चुकी है? अगर ये बात सही है तो इससे निकलना आवश्यक है, क्योंकि इससे आपका समय बर्बाद हो रहा है, और समय की बचत अगर अच्छी जगहों पे की जाएगी तभी हमारा कुछ भला हो सकता है, हमारे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। क्योंकि स्क्रीन पे सिर्फ उंगलियां घिसने से हमारे देश का भविष्य नहीं बनने वाला, हमारे स्वयं का भविष्य नहीं बनने वाला है, इस दलदल से निकलना ही होगा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखेंगे, आप सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मेंटल रूप से भी परेशान हो रहे हैं, जरा सी बात पर चिड़चिड़ापन आ जाता है, नींद ना आने की परेशानी है, निगेटिव सोच पर दिमाग में घर आप निगेटिव थिंकिंग मतलब बढ़ रही है, अनजान और जानने वालों के इंटरेक्ट हो रहे हैं, स्ट्रेस और टेंशन रहना, बार बार मोबाइल देखने की आदत, मतलब आप लगभग घर आप जब रहते हैं या ऑफिस में भी रहते हैं तब भी आप एवरेज में लगभग 100 से ज्यादा बार फोन को आप अनलॉक करते हैं, ये एक आंकड़े बताते हैं, एवरेज मैं बता रहा हूं, और 1000 टाइम आप फोन को स्पर्श करते हैं। ये सभी वो आंकड़े हैं जो हर एक व्यक्ति हर दिन यूज कर रहा है। आगे देखेंगे सोशल मीडिया में, उसमें भी आपकी परेशानी हो रही है, रिश्तों में दूरी बढ़ रही है, कंपैरिजन बढ़ता है, असुरक्षा की भावना है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो आपको सोशल मीडिया एप्स बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं, और इन तरीकों
से अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ वाकई में सोशल मीडिया की हमें लत लग चुकी है या इस एडिक्शन से हमें कैसे बाहर निकलना चाहिए, तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल सुनहरा अवसर लेकर के आया है। आज से आपको कुछ चीजों पर फॉलो करना है और अगर वो चीजें आपने 21 दिन फॉलो कर ली तो आप निश्चित रूप से इस दलदल से बाहर हो जाएंगे। आप अगर एक स्टूडेंट है तो आपको बिल्कुल पढ़ने में मन लगेगा, और अगर आप कोई नौकरी करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तब भी आपको अपनी नौकरी में सुकून से काम करने का मौका मिलेगा। आप अगर घर पे ही रहते हैं तब भी आप मोबाइल कम से कम यूज करेंगे, आपका स्क्रीन टाइम मोबाइल का घटेगा। बस कुछ टिप्स मैं बताऊंगा, उन टिप्स को आपको फॉलो करना ही है, और अगर फॉलो कर लिए तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि किसी ने तो हमें अच्छे सुझाव दिए जिससे हमारे अंदर बहुत अच्छा चेंज आया और मोबाइल को लेकर के आप सचेत हो। चलिए मैं आपको बताता हूं सबसे पहले तीन टिप्स, और इन तीन टिप्स को सिर्फ और सिर्फ आपको 21 दिन फॉलो करना है, सिर्फ आपको 21 दिन फॉलो करना है, निश्चित रूप से आपके अंदर बेहद अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सबसे पहला पॉइंट, मोबाइल का जो स्क्रीन टाइम घटाने की चीज है उसमें से सबसे पहला टाइम है कि मोबाइल में सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन को बंद कर दें। क्या होता है, जब आप काम कर रहे होते हैं तो सोशल मीडिया की कोई भी नोटिफिकेशन आती है आप तुरंत उसे टिक कर देते हो, और उसके अंदर जैसे ही आप प्रवेश करते हो तो किसने कितने लाइक किए, मेरा व्यूज कितना गया, मैंने जो फोटो डाली उसका क्या रिस्पॉन्स रहा, किसी पड़ोसी ने फोटोज डाली उसका क्या रिस्पॉन्स रहा, किसी रिश्तेदार ने वीडियो अपलोड की उसमें कितने लाइक्स हो रहे हैं, ये सारी चीजें आप देखने में थोड़ा सा समय के लिए आप इंटर किए थे उस एप्स के भीतर, और देखते ही देखते समय निकल चुका होता है, और फिर वही आपकी आदत कि 30 सेकंड का वीडियो आपके 30 मिनट ले गया, अर्थात जैसे ही आपने सोशल मीडिया ऐप ओपन किया था वैसे ही आपके 30 मिनट निकल गए। और समय प्यारे साथियों हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है, इस बात का ध्यान रखें। तो सबसे पहला पॉइंट ये रहा कि मोबाइल में सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन को क्या कर दें, बंद कर दें। इसके बाद चार्जिंग पॉइंट बेड से दूर होना चाहिए। सबसे बड़ा आज का मैं कह लूं, जितने भी सोशल मीडिया यूजर्स हैं सबके, मैं खुद ही, हम अपने दोस्तों में ही मैंने देखा है कई बार कि वो लोग बेड के पास चार्जिंग पॉइंट रखते हैं, और ये मुझे वहीं से मिला कि ये जो 3 टिप्स मैं बना रहा हूं इसमें ये टिप्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्थात अगर आप बेड में सोते समय भी मोबाइल यूज कर रहे हैं और आपका चार्जिंग पॉइंट जो है नजदीक है, क्योंकि आप अगर एक बार सोच लिए चलो थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, और जब थोड़ा सा यूज करने जाते हैं तो वही बात, आपने 5 मिनट के लिए फोन उठाया 50 मिनट में वो समय बदल ही जाता है। ठीक है, ये चीजें हैं, इस वजह से आपको चार्जिंग पॉइंट जो है वो बेड से अपने दूर रखना है और मोबाइल को सोते समय भी दूर ही रखना है। ये आदत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि आप चार्जिंग पॉइंट में मोबाइल फोन लगाकर बात करते हैं या फिर सोशल मीडिया ऐप यूज करते हैं, किसी भी चीज को आप यूज करते हैं तो चार्जिंग पॉइंट लगा करके बिल्कुल ही गलत है। आगे पॉइंट, अगला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, काम करते वक्त मोबाइल दूर रखें और फ्लाइट मोड ऑन कर लें, बहुत ज्यादा जरूरी। काम में डिस्टरबेंस अगर होता है तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आपका काम प्रभावित हो जाता है, आप जो वर्क कर रहे हैं वो इफेक्ट हो गया उसमें, आप जिस मन और लगन से उस काम को करते जा रहे थे बीच में कोई भी नोटिफिकेशन आया और आप उससे डिस्टर्ब हो गए, ये चीजें होनी चाहिए। आपको घर वालों को पता है, आपको पता है कि 8 घंटे आप ऑफिस में काम करते हैं, 8 घंटे आप पढ़ाई करते हैं, तो उस समय क्यों कोई फोन करेगा या किसी फोन से आप डिस्टर्ब क्यों हो। जब आप पढ़ने बैठ चुके हो तो सिर्फ पढ़ाई, जब आप काम करने बैठ चुके हो तो सिर्फ और सिर्फ काम, इन बातों का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। तो ये तीन टिप जो मैंने बताए हैं, ये जो तीन तरीके मैंने आपको बताए हैं, अगर आप प्यारे साथियों 21 दिन फॉलो कर लेते हैं तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा, और 21 दिन में क्या होता है कि आप के अंदर ऑटोमेटिक हैबिट अच्छी बन जाएगी। और एक चीज, आप बैड हैबिट्स छोड़ करके गुड हैबिट्स की ओर आगे बढ़ें, अर्थात जो आपकी हॉबीज हैं उन पे मन लगाएं, तो आपकी ये आदतें धीरे धीरे कम होंगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि हाँ ये 21 दिन मुझे फॉलो ही करना है, बल्कि अभी से तुरंत आप अपने मोबाइल फोन का, अगर जैसे ही वीडियो लेक्चर खत्म हो, अगर आप किसी काम करते वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो तुरंत अपने काम पे लग जाना और अपने मोबाइल का फ्लाइट मोड ऑन कर देना। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बात कर रहे थे गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स के बारे में। गुड बैड हैबिट्स जो होती है वो हमारी तुरंत लग जाती है, लत जो है ना वो तुरंत लग जाती है किसी भी चीज की हो, जबकि गुड हैबिट्स जो है वो हमें देर में रिवॉर्ड देती है। जैसे कि अगर हम जिम जाते हैं तो जिम में जो हमारा इफेक्ट शरीर पे दिखेगा वो 1-2 महीने के बाद ही दिखेगा। बुक पढ़ना, अब बुक रीडिंग करने से कोई एकदम से तो शिक्षित नहीं हो जाएगा, उसे बहुत वर्ष लगेंगे और धीरे धीरे वो उसमें ज्ञान भी वृद्धि हो जाएगी, तब वो जाके धीरे धीरे करोड़पति लखपति बनता
आ जाएगा। लेकिन कह दो आज ही वो लखपति बन जाए पढ़ने से, किताबें पढ़ने से, डिग्री लेने से, तो बिल्कुल भी नहीं। इसमें समय लगता है। और जो बुरी आदतें होती हैं वो जल्दी, जैसे नशा करना, इसमें जुमे में बैठना, ये सारी गलत आदतें होती हैं जो तुरंत आपको रिजल्ट देती हैं। भाई नशा किए आपको तुरंत नशा हो गया, आप घूमने लगे इधर उधर, तो ये चीजें होती हैं जो बैड हैबिट्स होती हैं वो तुरंत इफेक्ट डालती हैं। इसी क्रम में सोशल मीडिया भी आपको इसी तरह से बर्बाद कर रहा है। अगर आज आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ हुआ है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो से मैं विदा लेता हूं, मिलता हूं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम।